दृष्टि बाधित लोगों का क्रिकेट काफी समय से खेला जा रहा है। आज भी लोग इसे देखकर इन खिलाड़ियों की तारीफ करते नहीं थकते। हालांकि अब लोगों को पहले जैसा आश्चर्य नहीं होता। अब लोग जानते हैं कि ये क्रिकेट ऐसी बॉल से खेला जाता है जिससे बच्चों के झुनझुने जैसी आवाज आती है। गेंदबाज हमेशा अंडर आर्म बॉलिंग करते हैं और बल्लेबाज ज्यादातर स्वीप शॉट ही लगाते हैं। स्वीप शॉट पर ज्यादा निर्भरता का मतलब ये भी है कि ये क्रिकेटर्स कई बार बैट ही तोड़ देते हैं। विकेटकीपर खिलाड़ियों को गेंद की दिशा बताने के लिए चिल्लाते रहते हैं। टीम के खिलाड़ी तीन वर्ग में बटे होते हैं। दृष्टिबाधित लोगों की क्रिकेट रूल बुक में B1 उन खिलाड़ियों को कहा जाता है जो बिल्कुल नहीं देख सकते। B2 आंशिक रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, वहीं B3 कैटेगरी के क्रिकेटर्स को अधूरा दिखाई देता है। प्लेइंग 11 में 4 B1, 3 B2 और 4 B3 कैटेगरी के खिलाड़ी होते हैं। पूरी तरह से दृष्टिबाधित या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित होने का मतलब ये भी है कि चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। फ्री मूवमेंट के लिए ये खिलाड़ी कम प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं। बल्लेबाज सिर्फ एब्डोमेन गार्ड पहनते हैं, वहीं सही से सुन सके इसलिए हेलमेट भी नहीं पहनते। इनके क्रिकेट में रन लेते वक्त खिलाड़ियों का आपस में भिड़ना भी आम बात है। हालांकि शोरगुल जारी रहता है और खिलाड़ी एक दूसरे की आवाज़ सुनकर दूरी बनाते हैं। फील्डिंग के दौरान B1 क्रिकेटर्स सिर्फ 20 गज के घेरे में फील्डिंग करते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं देख पाने का मतलब है कि वे डाइव लगाने या गेंद को रोकने के लिए विकेटकीपर के निर्देशों का पालन करते हैं। वे हमेशा गेंद को हाथ से छू नहीं पाते और तेजी से लगाए गए शॉट पर उनको अक्सर चोट भी लग जाती है। कोच को भी बाउंड्री के बाहर से चिल्लाने की अनुमति है। यहाँ कोच की भूमिका फुटबॉल टीम के मैनेजर की जैसी हो जाती है, जो फील्ड में चेंज या गेंदबाज बदलने के फैसले भी लेता है। ये खिलाड़ी जो देख नहीं सकते, वे भारत के उन मशहूर क्रिकेटर्स से प्रेरित होते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा। ये कमेंट्री के जरिए सुन पाते हैं कि विराट कोहली या युवराज सिंह ने किस अंदाज में शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। क्रिकेट में अच्छे शॉट्स के लिए अक्सर हैंड आई कोऑर्डिनेशन का जिक्र किया जाता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोग हैंड ईयर कोऑर्डिनेशन की भी दाद दें और इसके जरिए लगाए गए शॉट्स पर जश्न मनाएं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़।